ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बंगाल चुनाव की गहमा गहमी के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऐलान से राजनीतिक गलियारों में उठा पटक तेज हो चली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी उत्तराखंड चुनाव में भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। दिल्ली में लगातार 3 बार सत्ता हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है, लेकिन जितनी बार भी उसने ये कोशिश की उसे मुंह की खानी पड़ी है। हालांकि दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी को धूल चटाकर आपने सत्ता हासिल की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी एवं मायावती की बहुजन समाज पार्टी केजरीवाल के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो सकती है, क्योंकि सपा और बसपा का अपना अपना वोट बैंक है। ऐसे में इनसे पार पाना केजरीवाल के लिए आसान नहीं होगा। दिल्ली में डिजिटल पत्रकार वार्ता में सीएम केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जब दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी मिल रहा है और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं, अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, तो ये सब उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकता है। केजरीवाल ने सवालिया लहजे में कहा कि उत्तर प्रदेश में इसे कौन रोक रहा है। उन्होंने कहा कि इसे भ्रष्ट नेता और गंदी राजनीति रोक रही है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों हमें एक बार मौका दीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश को भी बेहतर करके दिखा दूंगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तीसरी बार आपकी सरकार बनी है, जिसके बाद यूपी के रहने वाले कई लोगों ने उनसे कहा कि जो सुविधा दिल्ली के लोगों को मिल रही है वो यूपी के लोगों को भी मिलनी चाहिए। केजरीवाल ने यूपी के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपको एक मौका दीजिए, आप बाकी दलों को भूल जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी यूपी में पंचायत चुनाव भी लड़ेगी। इतना ही नहीं, चुनावों को गंभीरता से लेते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को इन चुनावों का पर्यवेक्षक घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आप पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं दिग्गज नेता संजय सिंह काफी लंबे समय से यूपी की राजनीति में सक्रिय हैं। कई मौकों पर संजय सिंह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर राजनीतिक हमले भी कर चुके हैं। हाल ही में कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन कर रही आप पार्टी के अनशन के दौरान सीएम योगी को शाकाल की संज्ञा दी थी। संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना कहा था कि केजरीवाल ने उन्हें शाकाल से लड़ने के लिए यूपी भेजा है, जहां शाकाल ने उन पर 14 मुकदमे डाल दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले भी जब दिल्ली से बाहर निकलकर चुनाव लड़ने की तैयारी की तब उसे हार मिली। पंजाब, हरियाणा, गोवा में पार्टी को असफलता हाथ लगी, जिसे मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने केवल दिल्ली में अपना ध्यान केंद्रित रखने की बात कही थी, लेकिन केजरीवाल के मिशन यूपी के ऐलान ने सभी को अचंभित कर दिया है। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव में आप पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा ये कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन यूपी की मुख्य पार्टियों को अपनी राजनीतिक रणनीतियों पर पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया है। अगर वर्तमान विधानसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में 312 सीटों पर बीजेपी, 49 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 18 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी, वहीं कांग्रेस को महज 7 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं 16 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा जमाया था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।